हेलो फ्रेंड्स, आपका अल्टीमेट साइंस बयान में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में पता ही होगा। इस वायरस ने दुनिया में बहुत ही हाहाकार मचा रखा है। यह वायरस चीन से निकलकर सारे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आज हम वायरस क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। आखिर क्यों होता है ये वायरस इतना खतरनाक, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, विषाणु यानी वायरस ऐसा जीव है जो कि केवल लिविंग सेल में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। यह न्यूक्लियो एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर यह वायरस डेड होता है, पर जब वायरस किसी लिविंग बॉडी में प्रवेश करता है तब वायरस की सेल्स फिर से जिंदा हो जाती है। एक वायरस बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। वायरस अपने आप को सालों तक स्लीपिंग स्टेट में रख सकता है, और जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को डिवाइड कर अपने आप को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से लिविंग बॉडी बीमार होने लगती है और वो शरीर में तेजी से फैलता है। एक बार किसी बॉडी में प्रवेश करने के बाद वायरस उस बॉडी के सेल को तहस नहस कर डालता है और उसका मूल DNA और RNA स्ट्रक्चर अपने जेनेटिक ऑर्डर से बदल देता है और ये इन्फेक्टेड सेल अपने जैसे और इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे कि शरीर और बीमार होकर जिससे शरीर मर भी सकता है। वायरस की खोज सबसे पहले 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। जब स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी फैली थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का भी आविष्कार किया था। वायरस यूजफुल और डेंजरस दोनों प्रकार के होते हैं। वायरस के मुख्यतः तीन प्रकार हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। वायरस ने भूतकाल में कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाई है, जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। पर वायरस की लाइफ साइकिल तभी शुरू होती है जब वो किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है, इसलिए आप भी ऐसे वायरस से सावधान रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।